हेलो एवरीवन, स्वागत सब सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पे हम लोग आज 30+ क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे किस तरह के क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ पर जो है केवल आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन कवर किया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए बनाया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं सभी क्वेश्चन को कि कौन कौन से क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो देख पा रहे हैं ज्योग्राफी MCQ टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसका PDF आप लोग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो आप लोग आकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसको बनाया हूँ, तो आप लोग जिस लैंग्वेज से कंफर्टेबल है तो आप उसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे मैं हिंदी लैंग्वेज बताऊंगा। अगर आप लोग इसका इंग्लिश भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड करके आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना याद भी कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है देख पा रहे कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। बोकारो इस्पात केंद्र जो किस राज्य में स्थित है, सो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बस आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। सो आप लोग यहाँ पे आंसर देख ली तो अगर आपको याद हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा इस तरह को तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो पाएंगे, डायरेक्ट आप आंसर अगर याद रख लेते हैं तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, वो हो जाएगा झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ पर है, सो इसकी राजधानी जो हैदराबाद है। कहाँ पर है, तो हैदराबाद ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर में इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे कौन से राज्य है जिसका जन घनत्व सबसे अधिक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार। किसकी अधिक है, तो बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो जमशेदपुर जो एक औद्योगिक नगर है। कौन सा नगर है, औद्योगिक। जमशेदपुर कौन सा नगर है, तो औद्योगिक नगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। चलिए उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है कि विजिट आवर वेबसाइट, तो आप लोग www.boardparikshaa.com में जाकर के इसको PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से जितने भी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और VVI जो कि मॉडल पेपर होता है, सब मैं इस वेबसाइट में अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग आसानी से वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आसानी से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम है www.boardparikshaa.com। चलिए क्वेश्चन 6 कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। क्या है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है। यहाँ पे कौन जो राज्य, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है बट यहाँ पे आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश जो है चीन की सीमा पर स्थित है। कौन सा राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का कारण कौन है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो इसका कारण जो है वायु प्रदूषण है। क्या है, वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होती है। काफ़ी VVI क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कौन सी फसल है, यहाँ पे कौन सी फसल है, तो चाय और कॉफ़ी जो एक तरह का फसल है। क्या है, चाय और कॉफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई, तो भारत में पूर्ण जनगणना जो पहली बार हुई थी वो 1881 ईस्वी में। कब हुई, तो 1881। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है, सो इसका जनगणना 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। कौन से राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल में। कहाँ पर है, तो केरल। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका, केरल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 13 क्या कह रहा है क्या कि भारत में नगरीय आबादी है। भारत में नगरीय आबादी कितनी है, तो वो है 31%। कितनी है, तो 31% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रांची किस राज्य की राजधानी है। रांची जो कौन से राज्य की राजधानी, तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, तो झारखंड की रांची राजधानी है। चलिए आगे क्वेश्चन 15 कह रहा है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बिहार। कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में, और इसका आंसर बिहार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कौन से नगर है जो
जिसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो वो कहा था अहमदाबाद को। किसको कहा था? तो अहमदाबाद को। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र है, तो बोकारो इस्पात केंद्र क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों में है। कहाँ पे है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उत्तर भारत की सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, उत्तर भारत की सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसके उत्तर भारत की सिंचाई का प्रमुख स्रोत वह नहर है। क्या है? नहर के द्वारा अधिकतर सिंचाई की उत्तर भारत में, सो इसका प्रमुख स्रोत हो जाएगा नहर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कौन बगानी फसल नहीं है, कौन जो है बगानी फसल नहीं है? तो मक्का जो एक तरह का जो फसल है जो कि बगानी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला जो एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि धारावी मालिन बस्ती किस नगर में स्थित है, धारावाही होगा या धारावी दिया हुआ है, तो धारावाही मालिन बस्ती जो है किस नगर में स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है, ये भी काफ़ी विवाद क्वेश्चन है, तो वह 121.01। क्या हो जाएगा? 121.01। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारक है, तो पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारक वो काम और रोजगार। क्या है? काम और रोजगार, जिस कारण पुरुष को प्रवास होना पड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? काम और रोजगार। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर का लक्षण अंग नहीं है, विशेषता नगर का लक्षण अंग नहीं है? तो ये जो है 75% अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये जो है लक्षण अंग से मतलब क्या कहते हैं, विशेषता नगर का लक्षण अंग नहीं है। क्या नहीं है? तो 75% अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, संगठन दिया हुआ संलग्न होना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो कौन सी? तो गेहूँ जो है रोपण फसल नहीं है, गेहूँ क्या है? रोपण फसल नहीं है। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो तृतीय क्रियाकलाप यहाँ पे आखेट, आखेट नहीं होगा, ये गलत हो गया यहाँ पे। इसका जो तृतीय क्रियाकलाप है वो का व्यापार, क्या जाएगा? व्यापार। आखेट जो है वो प्रथम क्रियाकलाप है, बट व्यापार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप है। सो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे व्यापार होगा, आखेट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 27 कह रहा है कि कौन सी एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, कौन सी भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? तो वो जो सीमांत भूमि, कौन सी भूमि? तो सीमांत, सीमांत भूमि जो है उपयोग संवर्ग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करा है कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है, तो यहाँ पे जाएगा तापीय ऊर्जा। कौन सी हो जाएगा? तापीय ऊर्जा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय आपको समझाते हैं, नवीकरणीय का मतलब होता है उस ऊर्जा को कहते हैं जो हमेशा मिलती रहे, जैसे सूर्य से ऊर्जा मिलती है हमेशा, ये कभी ख़त्म नहीं किया सकते हैं, जैसे क्या कहते हैं पानी जल से जो ऊर्जा बनाते हैं ये जल कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और अनवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो एक बार समाप्त हो जाने पर कई वर्ष लग जाते हैं उसको उत्पन्न करने में, बट कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, तापीय ऊर्जा, इस तरह से ऊर्जा जो है ये भविष्य में खत्म यानी समाप्त होने की संभावना है, इस तरह की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? रणीय ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करा कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पे दिया उत्तर प्रदेश किताब बुक के अनुसार, बट अभी जो है उत्तर प्रदेश प्रथम बन चुका है, अभी जो है दूसरा में महाराष्ट्र में आ चुका है। कौन आ चुका है? तो महाराष्ट्र। तो आप लोग यहाँ पे कन्फर्म कर लीजिए, बट अभी जो है करेंटली में उत्तर प्रदेश प्रथम बन चुका है, तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश नहीं होगा, बट बुक के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश आंसर होगा। तो आप लोग यहाँ पे अपडेट के हिसाब से आप लोग उत्तर प्रदेश प्रथम हो जाएगा, तो आप लोग महाराष्ट्र आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कौन सा एक स्थलबंध पोतसरा है, कौन सा एक स्थलबंध पोतसरा है? तो वो जो विशाखापट्टनम, कौन सा है? विशाखापट्टनम जो एक स्थलबंध पोतसरा है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है नव निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है, नव निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? तो इसका प्रवर्तक जो है वो जी टेलर है। कौन है? जी टेलर। कौन है? जी टेलर। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, तो पर्वतों पर जो सीरीनुमा अधिवास पाया जाता है, कौन सी पाया जाता है? तो सीरीनुमा, सीरीनुमा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो सीरीनुमा अधिवास पाता है, क्योंकि पर्वत जो होते हैं ऊंचे ढालों नुमा होते हैं, और इस तरह पे रहने के लिए हमको सीरी मतलब सीरी की तरह घर बनाना पड़ेगा, जिस तरह तभी वहाँ पर इंसान रह पाएगा। सीरी मतलब आप लोग पता होगा जैसे घर में सीरी लगाए थे इस तरह करके, ये इस तरह करके, तो इस तरह का अधिवास पाया जाता है पर्वतों पर, ताकि यहाँ पर इस स्थान पर इंसान सही से रह सके। तो पर्वतों पर कौन सा अधिवास पाया जाता है? सीरीनुमा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कौन सा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, कौन सा जनसंख्या
के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, सो वह 15 से 59 वर्ष, क्या जाएगा 15 से 59 वर्ष। इस वर्ष के लोग जो होते हैं इसको कहते हैं कार्य के आयोग मान्यता, यानी ऐसी जनसंख्या को मतलब ऐसी जनसंख्या के वर्गों को क्या मानते हैं, कार्यशील माने जाते हैं, कार्यशील आयोग के माने जाते हैं। चलिए तो यहाँ तक था। आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो इंग्लिश मीडियम है इसका आप लोग जो भी इंग्लिश मीडियम है तो आप इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो भी वीडियो है इस वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन करिए ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं, समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।